महाराष्ट्र की राजनीति में 10 जून से 29 जून 2022 के दौरान जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी होने वाला है, उसे देखकर ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही राजनीति के असली चाणक्य हैं और मराठा क्षत्रप शरद पवार का युग लगभग समाप्त हो चुका है। शरद पवार की इमेज आज भी साल 1978 के उस राजनेता की है जिसने मुख्यमंत्री वंसद दादा पाटिल के साथ कपट किया और उसके विधायकों को तोड़कर राज्य की सत्ता हथिया ली। शरद पवार आज भी उस तिकड़मी छवि से बाहर यकीनन नहीं आ सके हैं और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की छवि मौजूदा राजनीतिक बवंडर के दौरान जेंटलमैन नेता की बनी रही। एकनाथ शिंदे से बगावत करवाई लेकिन इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला करार दे दिया गया। शिवसेना विधायकों की बगावत करवा के फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उन्हीं के स्टाइल में करारा जवाब दिया है। यकीनन देवेंद्र फडणवीस की चतुराई नीति से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत पूरी तरह सच साबित होती है। आपको बता दें, नवंबर 2019 के बाद देवेंद्र फडणवीस को लग गया था ठाकरे परिवार और पवार परिवार पर भरोसा करना उनके राजनीतिक जीवन के दो ब्लंडर थे, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अलग से राजनीति करनी शुरू की, अलग तरीके से रणनीति बनानी शुरू की और आज महाराष्ट्र में मौजूदा हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के युग को समाप्त कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जो भी रणनीति, जो भी कूटनीति शरद पवार के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने बनाई, उसे अंजाम दिया। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के बाद इस हार का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शरद पवार को ठहराया जा रहा है। दबी जुबान में शिवसेना के कई नेता यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अगर उद्धव ठाकरे होते तो आज सत्ता से बेदखल ना होते, लेकिन उन्होंने साथ निभाने के लिए गलत लोगों को चुना, जिसका परिणाम आज ये निकल कर सामने आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।